हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में। लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों को सॉल्यूशन के बारे में बताया था, उसके एग्जांपल भी बताए थे, सॉल्यूट के बारे में भी नॉलेज दी थी और एग्जांपल के साथ आपको सॉल्यूट को समझाया था और सॉल्वेंट के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया था। तो आज के इस वीडियो में सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को कंटिन्यू करेंगे एग्जांपल के साथ। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, डे टू डे प्रैक्टिस करते रहें, लर्न करते रहें, नीट एंड क्लीन होमवर्क करते रहें और मुझसे भी क्वेश्चन करते रहें। ठीक है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। और इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, सो यू कैन इजिली डिस्कस मी एट एनी टाइम थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू एसएमएस, थ्रू कॉलिंग। आपको कोई भी डाउट हो, करंट वीडियो में है, लास्ट वीडियो में है, 3 दिन पहले की वीडियो में है, 10 दिन पहले की वीडियो में है, 1 महीने पहले की वीडियो में है, 2 महीने पहले की वीडियो में है, आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी लाइन में, किसी भी चैप्टर में, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी आंसर में डाउट है तो यू कैन इजिली डिस्कस मी एट एनी टाइम। ठीक है, सो चलते हैं। और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बनता है तो कमेंट जरूर करें। लेट्स कम ऑन द टॉपिक ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट पर चलते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ लास्ट वीडियो का। लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, सॉल्यूशन के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका था कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा मोर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का। ठीक है, दो या दो से ज्यादा सॉलिड, लिक्विड, गैसेस का मिक्सचर होता है। एग्जांपल दिया था सुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, आयोडीन इन एथिल अल्कोहल, अलॉयज भी दिए थे, ब्रास। ठीक है, जो ब्रास होता है कॉपर और जिंक का मिलकर बना हुआ होता है। आपको नोट डालकर भी लिखवाया था राहुल सर ने कि सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट तो क्या होती है, स्मॉलर अमाउंट होती है जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट होती है। द कंपोनेंट्स दैट इज प्रेजेंट इज स्मॉलर अमाउंट इन ए सॉल्यूशन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। जैसे शुगर जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर शुगर कम होता है, वाटर ज्यादा होता है, तो शुगर कम है तो सॉल्यूट है, वाटर ज्यादा है तो सॉल्वेंट है। ऐसे ही सॉल्ट के सॉल्यूशन में सॉल्ट क्या होता है, कम क्वांटिटी में होता है तो वो सॉल्यूट कहलाएगा, और जो वाटर है वो ज्यादा क्वांटिटी में होता है तो वो सॉल्वेंट कहलाएगा। चलो आगे चलते हैं सॉल्वेंट के बारे में। हेडिंग डाल दीजिएगा सॉल्वेंट, SOLVENT। सॉल्वेंट के बारे में आप लोगों को बताएंगे राहुल सर। सॉल्वेंट क्या होता है, ऐसी कंपोनेंट जो, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने स्मॉलर लिखा है, यहाँ पर स्मॉलर, इसकी जगह क्या करना है, लार्जर, क्या करना है, लार्जर, और सेम टू सेम डेफिनेशन है। ऐसे कंपोनेंट जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, तो लिखिएगा द कंपोनेंट्स। ठीक है, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा राहुल सर, जो बोलते मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, मेरे शब्दों को पकड़िए। ठीक है, मैं जो बोलता हूँ मेरे वर्ड्स पर ध्यान दीजिए। ठीक है, हो सकता है मैं शॉर्ट में लिख दूँ, इसलिए मेरे वर्ड्स, मेरे लिरिक्स पर जो मैं बोलता हूँ उसको केयरफुली लिसन कीजिएगा। द कंपोनेंट्स। ठीक है, आगे लिखिएगा डेट इज प्रेजेंट या विच इज प्रेजेंट कर लो, डेट इज प्रेजेंट। ठीक है, डेट इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, इन लार्जर, LARGER, इन लार्जर अमाउंट, AMOUNT, इन लार्जर अमाउंट। ठीक है, इन लार्जर अमाउंट इन किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, ज्यादा प्रैक्टिस करें आप इसको। मैं आपको जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो 10th 11th 12th लेवल का लेके चल रहा हूँ, 11th 12th स्टैंडर्ड के प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ, तो आप मेरे साथ कॉपरेट करें और इनको टेक इट सीरियसली लें और घर पे रहकर के इनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या कहलाएगा वो, द सॉल्वेंट, इज कॉल्ड द सॉल्वेंट, SOLVENT, सॉल्वेंट। ठीक है, अब फुल स्टॉप लगा दीजिए, नीचे लिखे बिना एग्जांपल के, तो राहुल सर ने आज तक आप लोगों से बात ही नहीं की। ठीक है, एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे वही है वॉटर इन शुगर, तो ठीक है वॉटर, ठीक है इन शुगर, शुगर के अंदर वाटर, ठीक है वाटर इन शुगर एक्सेट्रा। ठीक है, एक ही एग्जांपल काफी है। ठीक है, एक ही एग्जांपल काफी होता है अगर समझ में आ जाए तो। ठीक है, तो क्या लिखवाया राहुल सर ने आपको, वाटर इन शुगर, क्या लिखवाया राहुल सर ने आप लोगों को, वाटर इन शुगर। क्लियर है, आप लोगों को लिखवाया राहुल सर ने वाटर इन शुगर। ठीक है, आगे लिखिएगा आप, ठीक है आगे लिखिएगा वाटर इन शुगर के बाद आप लोगों को आगे के टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। कुछ आपको एक नोट और लिखवाएंगे, बहुत काम का नोट है वो,
ध्यान दीजिएगा उस पर। आपने कभी सुना होगा कि जो सॉल्यूशन होता है उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं, कितने भी कंपोनेंट्स हो वो प्रेजेंट होते हैं, चाहे शुगर के अंदर, जैसे शरबत बनाते हैं तो उसमें शुगर होती है, लेमन जूस होता है, ठीक है, और उसमें सॉल्ट भी होती है, तो कई सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर ओनली टू कंपोनेंट्स यदि है, जैसे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है, वो क्या कहलाएगा, बाइनरी सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा, बाइनरी सॉल्यूशन। तो आप हेडिंग डालें बाइनरी, BINARY बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होगा, आपके टॉपिक में नहीं है, आपकी बुक का नहीं है, अलग हटके बता रहा हूँ, इलेवेंथ की बुक में है ये बाइनरी सॉल्यूशन, ये इलेवेंथ की बुक में है, इलेवेंथ की बुक का टॉपिक है, ये इलेवेंथ की बुक का टॉपिक है बाइनरी सॉल्यूशन। तो यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर दो, ओनली टू कंपोनेंट्स हो, एक तो हो सॉल्यूट, एक हो सॉल्वेंट, दोनों प्रेजेंट हो, ऐसा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा, बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। तो लिखिएगा, इसे हिंदी में जो बोला उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इन आ सॉल्यूशन, जो मैंने अभी हिंदी में बोला था उसे केवल इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा हूँ और इजी लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ, ठीक है। लिखिएगा इन आ सॉल्यूशन, ठीक है, एनी नंबर ऑफ, लिखिएगा एनी, ठीक है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, एनी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, COMPONENTS कंपोनेंट्स, ठीक है, मे MAY मे बी BE, ठीक है, ए बी वाला, मे बी प्रेजेंट PRESENT मे बी प्रेजेंट, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। आगे लिखेगा द सॉल्यूशन, ठीक है, आगे लिखेगा द सॉल्यूशन, ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर केवल ओनली टू कंपोनेंट्स हो, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, बाइनरी सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इन विच, द सॉल्यूशन इन विच, आगे लिखेगा द सॉल्यूशन इन विच, ठीक है, ओनली ONLY ओनली टू TWO टू कंपोनेंट्स, ओनली टू कंपोनेंट्स, ठीक है, ओनली टू कंपोनेंट्स, डेट इज कौन कौन से हैं, ओनली टू कंपोनेंट्स डेट इज कौन कौन से हैं भैया, देखीजिएगा, आ सॉल्यूट SOLUTE आ सॉल्यूट एंड कौन कौन से, आ सॉल्यूट एंड आ सॉल्वेंट, ठीक है, जो अभी मैंने ऊपर आपको समझाए थे, ठीक है, कौन कौन से, आ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जो अभी एक जस्ट दो मिनट पहले आपको समझाए थे, ठीक है। आगे लिखिएगा कॉमा लगा करके, आर प्रेजेंट PRESENT आर प्रेजेंट, ठीक है, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड क्या कहलाएंगे, इज कॉल्ड आ बाइनरी BINARY बाइनरी सॉल्यूशन SOLUTION, ठीक है, क्लियर है, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। तो देख लीजिएगा क्या लिखवाया राहुल सर ने आप लोगों को, लिखवाया बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, कि इन अ सॉल्यूशन एनी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स मे बी प्रेजेंट, फुल स्टॉप। इसके बाद लिखवाया द सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि इन विच ओनली टू TWO टू कंपोनेंट्स डेट इज कौन कौन से, अ सॉलिड एंड अ सॉल्वेंट आर प्रेजेंट इज कॉल्ड अ बाइनरी सॉल्यूशन। हेडिंग डाल दीजिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे अब, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, तो हेडिंग डाल दीजिएगा, एक सेकेंड, हेडिंग डाल दीजिएगा, प्रॉपर्टीज डालिएगा आप, प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, आ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ आ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है आप सुन लीजिएगा, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज, दो लाइन का गैप दे दिया बाइनरी सॉल्यूशन के बाद, दो लाइन का गैप दे करके लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। और आपको जितनी भी थ्योरी मैं लिखवा रहा हूं ना, जो मैं लिख रहा हूं वो सारी थ्योरी आपको लिखनी है चैप्टर वाइज, ध्यान रखना, अटेंशन प्लीज ऑल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास, बॉयज एंड गर्ल्स, फोकस मी, आई वुड लाइक टू से दीज आर द टाइप्स थ्योरीज विच वाई रिटर्न बाई राहुल सर इन द व्हाइट पेपर, ऑन द व्हाइट पेपर, सो इन माई लास्ट वीडियो एंड लास्ट 1 month अगो वीडियो एंड लास्ट 2 month अगो वीडियोज, सो ऑल द थ्योरीज, ठीक है, रिटर्न बाई राहुल सर आर मस्ट, ठीक है, टू राइट इन योर साइंस होमवर्क कॉपी, ठीक है, करना जरूरी है इसे, ठीक है। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज सुन लीजिएगा, सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो ये सॉल्यूशन होता है कि सॉल्यूशन एक तो हमेशा होमोजीनस नेचर का होता है, यानी कि होमोजीनस क्यों, क्योंकि इसमें एक ही तरह की कंपोजिशन होते हैं। दूसरी बात, सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, सॉलिड एंड सॉल्वेंट। अगर तीसरी प्रॉपर्टी का बात करें कि सॉल्यूशन के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सेम फेज में होते हैं, ठीक है, जो सॉल्यूट की प्रॉपर्टी होती है वो रिटेन करती है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, जो
सॉल्यूशन का जो साइज, सॉल्यूट जो डाला गया उसका जो साइज होता है, उसके पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, ठीक है। और बोल सकते हो आप कि सॉल्यूशन जो होता है वो उसके अंदर से जो स्कैटर होती है लाइट स्कैटर नहीं कर सकती, क्योंकि स्मॉल साइज होती है सॉल्यूट के पार्टिकल्स की, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट होता है और लाइट कैन पास थ्रू इट, ठीक है, लाइट भी इससे पास हो सकती है, ठीक है। ये कई सारे आपको प्रॉपर्टीज बताइए राहुल सर ने, तो लिखिएगा नंबर वन, ठीक है, आप एक के बाद एक लिखना और लाइन छोड़ छोड़ के लाइन का गैप देकर के लिखना, मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, मैं कंटिन्यू करूंगा, आपको लाइन का गैप देना है। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा अ सॉल्यूशन, मैंने क्या बोला था होमोजीनस नेचर का होता है सॉल्यूशन, तो आप लिखिएगा अ सॉल्यूशन, लिखिएगा अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज, अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज होमोजीनस, GENEOUS, ऑलवेज होमोजीनस, ठीक है, यहां लिखा है अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज होमोजीनस, डेट इज, इसका मतलब क्या है, डेट इज, ठीक है, इट हैज द सेम, SAME, इट हैज द सेम, ठीक है, कंपोजिशन रखिएगा, इट हैज द सेम कंपोजिशन, ठीक है, COMPOSITION, कंपोजिशन, ठीक है, कंपोजिशन थ्रू आउट, जो इससे ऑल ओवर इससे निकल जाए, थ्रू THROUGHOUT थ्रू आउट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में कंटिन्यू कर रहा हूं, लेकिन आपको एक लाइन का थ्रू आउट के बाद फुल स्टॉप लगा करके नीचे की लाइन में लिखना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा अ सॉल्यूशन, ठीक है, जो सॉल्यूशन होते हैं उसके दो कंपोनेंट होते हैं, कितने कंपोनेंट रखता है, टू कंपोनेंट्स, ठीक है, टू कंपोनेंट्स कौन कौन से रखता है, डैश लगा करके लिखे, पहला तो मैंने सॉल्यूट बताया था, SOLUTE सॉल्यूट, एंड द सॉल्वेंट, सेकंड आपको बताया था सॉल्वेंट, SOLVENT, ठीक है, फुल स्टॉप। थर्ड पॉइंट आप लिखिएगा, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, बट आपको ध्यान रखना है एक एक लाइन का गैप देकर के पॉइंट लिखने, ध्यान रखना, आई अगेन रिपीट, ठीक है, एक एक लाइन का गैप देकर के पॉइंट लिखने, ठीक है, लाइन वाइज लिखने, मैं कंटिन्यू लिख रहा हूं, मेरी इस तरह नहीं लिखना है जैसे मैंने लिखा है, एज मी डोंट राइट इन योर कॉपी, ठीक है, आपको यू मस्ट डू इन योर कॉपी बाय लाइन वाइज लाइन, ठीक है। जो कंपोनेंट्स होते हैं सॉल्यूशन के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं सेम फेज में, तो आप लिखिएगा ऑल द, ठीक है, आप लिखिएगा ऑल द कंपोनेंट्स, ठीक है, ऑल द कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन, ऑल द कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन, ठीक है, आर प्रेजेंट, PRESENT, आर प्रेजेंट, ठीक है, इन द सेम SAME, इन द सेम फेज, PHASE, इन द सेम फेज, ठीक है, सेम फेज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट मतलब जैसे जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, देखो सॉल्यूट का मतलब जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जैसे शुगर सॉल्यूशन में, सॉल्ट के सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे शुगर डालोगे तो शुगर के पार्टिकल्स होंगे, तो उनके पार्टिकल का जो साइज है वो एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, यानी कि आप बोल सकते हैं एक नैनोमीटर से भी कम, नैनोमीटर कितना सा होता है, बहुत छोटा सा होता है, नैनोमीटर बाल के बराबर, बहुत छोटा सा होता है, उससे भी कम होता है, ठीक है। यानी कि लिखिए द साइज ऑफ, लिखिएगा द साइज, SIZE, द साइज ऑफ सॉल्यूट, SOLUTE, सॉल्यूट पार्टिकल्स, PARTICLES, द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज एक्सट्रीमली, EXTREMELY, एक्सट्रीमली, ठीक है, स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल, ठीक है। अब कितनी होती है, ब्रैकेट में लिखो आप, less than one nanometer, ठीक है, nm का मतलब है नैनोमीटर, यानी कि डेट इज, इसका मतलब क्या है कि 10^-9, ठीक है, मीटर, ठीक है, फुल स्टॉप। दस मैंने लिखा है फोर्थ पॉइंट, द साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इज एक्सट्रीमली स्मॉल, या तो लेस देन 1 नैनोमीटर से कम होगा, और नैनोमीटर का मतलब होता है 10^ कितनी होती है, -9 मीटर, ठीक है। आगे फिफ्थ पॉइंट आप लिखिएगा, फिफ्थ पॉइंट कंटिन्यू कीजिए कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होती है वो फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं और कोई भी अवशेष नहीं रहता है, रेजिड्यू लेफ्ट नहीं रहता है, तो लिखिएगा द सॉल्यूट, SOLUTE, द सॉल्यूट पार्टिकल्स, PARTICLES, द सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। आगे लिखिएगा पास, PASS, द सॉल्यूट पार्टिकल पास, ठीक है, थ्रू, TH, RO, UGH, थ्रू, ठीक है,
द फिल्टर एफ आई एल लिखिएगा, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, एफ आई एल ठीक है, टी ई आर फिल्टर पेपर ठीक है। यहां पर मैंने लिखवाया है फिफ्थ पॉइंट में लिखवाया है आप लोगों को, द सॉलिड पार्टिकल्स पास पी ए डबल एस थ्रू टी एच आर ओ यू जी एस थ्रू द फिल्टर पेपर ठीक है, एंड ए एन डी एंड नो रेजिड्यू आर ई एस आई डी यू ई, रेजिड्यू का मतलब होता है बचा हुआ ठीक है, अवशेष होता है, देख लेना हिंदी मेरी कोई ज्यादा खास नहीं है, देख लेना ज्यादा अच्छी नहीं है ठीक है, एंड नो रेजिड्यू ठीक है, इज नो रेजिड्यू इज ठीक है लेफ्ट एल ई एफ टी ठीक है फुल स्टॉप। यहां पर लिखा है फिफ्थ पॉइंट में द सॉल्यूट पार्टिकल्स पास थ्रू द फिल्टर पेपर एंड नो एनओ रेजिड्यू आर ई एस आई डी यू ई रेजिड्यू इज लेफ्ट, इज लेफ्ट का मतलब है बचा हुआ नहीं रहता है ठीक है। आगे देखिएगा, आगे के पॉइंट में आप लोगों को राहुल सर लिखवाने जा रहे हैं ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए। कितने हो गए 5.6 पॉइंट, जो जो मेरे को याद आते जा रहे हैं मैं लिखवा रहा हूँ, जो जो मुझे याद आ रहे हैं मैं आपको कंटिन्यू कर रहा हूँ ठीक है। और आपको 11th और 12th लेवल के पॉइंट भी आप लोगों को इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं ठीक है। 6 पॉइंट का लिखिएगा द प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज पी आर ओ पी ई आर टी आई एस द प्रॉपर्टीज ठीक है ऑफ आ सॉल्यूट, सॉल्यूट की जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है रिटेंड होती है सॉल्यूशन के अंदर, आर रिटेन आर ई टी ए आई एन ई डी रिटेंड ठीक है इन द सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन ठीक है। क्या लिखवाया राहुल सर ने यहां पर कि जो प्रॉपर्टीज होती है किसकी सॉल्यूट की, वो रिटेंड होती है किसके अंदर होती है सॉल्यूशन के अंदर। 7 पॉइंट कंटिन्यू कीजिएगा कि जो सॉल्यूशन होता है वो कभी लाइट को स्कैटर नहीं करता है क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल्स की साइज बहुत कम होती है ठीक है, जैसे शुगर सॉल्यूशन के अंदर शुगर के पार्टिकल्स की, सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर सॉल्ट के पार्टिकल्स की ठीक है। तो आप कंटिन्यू कीजिएगा अ सॉल्यूशन ठीक है, अ सॉल्यूशन ठीक है, अ सॉल्यूशन डज नॉट ठीक है, जो हिंदी में बोल रहे हैं राहुल सर केवल उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, नहीं आया समझ में जो आपको हिंदी में समझाया जा रहा है राहुल सर ने केवल केवल उसको कन्वर्ट किया है इंग्लिश में। तो आ सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट एल आई जी एस टी लाइट ठीक है, ड्यू डी यू ड्यू टू ठीक है द स्मॉल, किसके स्मॉल की साइज है, किसके स्मॉल की साइज है सॉल्यूट के पार्टिकल्स की, ड्यू टू स्मॉल ठीक है साइज एस आई जी साइज ऑफ ठीक है साइज ऑफ सॉल्यूट एस ओ एल यू टी सॉल्यूट पार्टिकल्स पी ए आर टी आई सी एल ई एस पार्टिकल्स ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा 8th पॉइंट पे आ जाइए आप ठीक है। 8th पॉइंट में आपको लिखना है कि जो ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब मैंने आपको बताया था जो सॉल्यूशन बनेगा वो ट्रांसपेरेंट होता है तो लाइट कैन पास थ्रू इट ठीक है, अगर वो ट्रांसपेरेंट होगा तो इट इज ठीक है ट्रांसपेरेंट टी आर ए एन एस पी ए आर ई एन टी इट इज ट्रांसपेरेंट ठीक है। ट्रांसपेरेंट होने की वजह से क्या होगा कॉमा लगा के लिखे डेट इज ठीक है लाइट एल आई जी एस टी डेट इज लाइट ठीक है कैन सी एन कैन पास पी ए डबल एस कैन पास थ्रू टी एच आर ओ यू जी एस थ्रू इट ठीक है। आगे समझ में तो मैंने यहां पर लिखवाया है देख लीजिए 6 पॉइंट है द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूट आर रिटेंड इन द सॉल्यूशन, 7 पॉइंट है आर सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर एस ई ए डबल टी आर स्कैटर लाइट ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट पार्टिकल्स, 8th पॉइंट में लिखवाया इट इज ट्रांसपेरेंट दैट इज लाइट कैन पास थ्रू इट ठीक है। ये तो आपके जो प्रॉपर्टीज थी सॉल्यूशन की ये मैंने आपको करवा दी और इनको अच्छे से याद करना लर्न करना प्रैक्टिस करनी है ठीक है। ये आपके प्रॉपर्टीज थी अच्छे से इनको लर्न करना है ठीक है, नीट एंड क्लीन होमवर्क में भी इनको राइट करना ठीक है। अब आ जाओ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं ठीक है, एक होता है एक्वस सॉल्यूशन एक होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन ठीक है, एक होता है एक्वस सॉल्यूशन एक होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो जब सॉल्यूट को आप डिसॉल्व करते हो वाटर के अंदर, सुनना ध्यान से एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है वेन आ सॉल्यूट, जब हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर जो सॉल्यूशन जो कहलाएगा वो होगा एक्वस सॉल्यूशन, जैसे सॉल्ट को पानी में मिला दिया तो वो कहलाएगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, किसका सॉल्यूशन कहलाएगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। नॉन एक्वस में क्या होता है कि सॉल्यूट डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट के अंदर ठीक है, या अदर देन वाटर ऐसे बोल सकते हो, यानी कि सॉल्यूट को आपने डिसॉल्व किया है सॉल्वेंट के अंदर अदर देन वाटर, जैसे उसे बोलेंगे नॉन एक्वस। कैसे, जैसे आयोडीन डिसॉल्व की जाती है एथिल अल्कोहल के अंदर
आयोडीन डिसॉल्व की जाती है एथिल अल्कोहल के अंदर, सल्फर डिसॉल्व की जाती है कार्बन डाइसल्फाइड में, वो नॉन एक्वस होते हैं और ज्यादातर हम एक्वस सॉल्यूशन का ही यूज करते हैं। तो एक लाइन का गैप देकर के हेडिंग डालो एक्वस सॉल्यूशन, क्या हेडिंग डालोगे एक्वस ए क्यू, ठीक है एक्वस सॉल्यूशन ए क्यू यू ई ओ यू एस एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है थ्रू इट के बाद फुल स्टॉप लगा करके हेडिंग डालो एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है कि जब वाटर में आप सॉल्यूट को डिसॉल्व करोगे तो वो एक्वस सॉल्यूशन होगा, जैसे सॉल्ट वाटर में की जाती है तो क्या कहलाएगा सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन। तो लिखिएगा व्हेन, ठीक है ए सॉल्यूट, व्हेन ए सॉल्यूट एस ओ एल यू टी व्हेन ए सॉल्यूट, ठीक है इज डिसॉल्व डी आई डबल एस ओ एल वी ई डिसॉल्व्ड, ठीक है इन वाटर डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है क्या लिखा है मैंने व्हेन अ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है द सॉल्यूशन, ठीक है मैंने यहां लिखा है व्हेन अ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन वाटर द सॉल्यूशन, ठीक है आगे लिखिएगा इज कॉल्ड, ठीक है द सॉल्यूशन इज कॉल्ड, ठीक है क्या कहलाएगा एन एक्वस ए क्यू यू ई ओ यू एस एक्वस सॉल्यूशन, क्या कहलाएगा वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है इसके बाद फुल स्टॉप लगा दीजिए, फुल स्टॉप के बाद आप लिखिएगा एग्जाम्पल, ठीक है फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा एग्जाम्पल इजी करके एग्जाम्पल लिखिएगा आप क्या क्या एग्जाम्पल है, जैसे सॉल्ट लिखिएगा सॉल्ट इन वॉटर, वॉटर के अंदर जो सॉल्ट है ठीक है इज कॉल्ड क्या कहलाएगा वो इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, क्या कहलाएगा एक्वस ए क्यू यू ई ओ यू एस एक्वस, एक्वस को ब्रैकेट में लिख सकते हैं ए क्यू, जैसे लिखते हो ना आप रिएक्शन में ए क्यू एट्थ में लिखा था आपने एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ किसका कहलाएगा वो सॉल्ट का, ठीक है फुल स्टॉप। ठीक है ये हो गया आपका एग्जाम्पल। ठीक है अब हेडिंग डालो नॉन एक्वस, एक लाइन का गैप देकर के हेडिंग डालो नॉन, ठीक है एक्वस ए क्यू यू ई ओ यू एस नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है नॉन एक्वस सॉल्यूशन भी यही है बट उसमें क्या होता है कि जो सॉल्यूट होता है जब आप सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हो ना सॉल्वेंट के अंदर, किसके अंदर वाटर नहीं सॉल्वेंट, फिर अदर देन वाटर के अंदर भी कर सकते हैं। क्या बोला मैंने व्हाट आई एम सीइंग कि व्हेन अ सॉल्यूट जब सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है सॉल्वेंट के अंदर या अदर देन वाटर तो वो कहलाएगा नॉन एक्वस, जैसे आयोडीन डिसॉल्व करते हैं एथिल अल्कोहल के अंदर। तो लिखिएगा व्हेन, ठीक है अ सॉल्यूट एस ओ एल यू टी व्हेन अ सॉल्यूट, ठीक है व्हेन अ सॉल्यूट डिसॉल्व डी आई डबल एस ओ एल वी ई डी व्हेन अ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड, ठीक है इन वाटर, ठीक है अदर देन, ठीक है यहां लिखा है अदर देन, ठीक है अदर देन वाटर के अंदर, ठीक है अदर देन वाटर, ठीक है क्या कहलाएगा वो इट इज कॉल्ड, ठीक है क्या कहलाएगा वो इट इज कॉल्ड अ नॉन एक्वस, ठीक है अ नॉन एक्वस ए क्यू, ठीक है यू ई ओ यू एस एक्वस सॉल्यूशन, क्या कहलाएगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन, फुल स्टॉप लगा दो। ठीक है मैंने यहां पर लिखवाया नॉन एक्वस सॉल्यूशन की डेफिनेशन, व्हेन अ सॉल्यूट जब सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है वाटर के अंदर, ठीक है या डिसॉल्व किया जाता है इन अ सॉल्वेंट, मैंने यहां मिस्टेक हो गई, यहां पर आएगा आपके डिसॉल्व इन के बाद आप लिखिएगा अ सॉल्वेंट, यहां पर लिखिए आप सॉल्वेंट, ठीक है सॉल्वेंट। ठीक है तो क्या हुई डेफिनेशन, जब सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है सॉल्वेंट के अंदर, किसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर अदर देन वाटर है। अगेन आई रिपीट व्हेन अ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट लिखिएगा वहां पर अदर देन वाटर, ठीक है या फिर वाटर के अंदर तो वो कहलाएगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। आ जाइए इसका एग्जाम्पल लिखिएगा इजी करके एग्जाम्पल लिखिएगा, ठीक है एग्जाम्पल क्या हो जाएगा जैसे आयोडीन आई ओ डी आई यानी आयोडीन, ठीक है डिसॉल्व डी आई डबल एस ओ एल वी डी डिसॉल्व इन किसके अंदर एथिल अल्कोहल ई टी एच वाई एल एथिल अल्कोहल एल्कोहल, ठीक है एल्कोहल हो गया। या फिर एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए सल्फर एस यू एल पी एच यू आर सल्फर, ठीक है डिसॉल्व डी आई डबल एस ओ एल वी ई डी सल्फर डिसॉल्व किसके अंदर इन आगे लिखिएगा कार्बन डाइसल्फाइड
CS2, ठीक है, क्या लिखा CS2, ठीक है, एक्सेट्रा। यहाँ पर दो एग्जांपल लिखवाए राहुल सर ने, एक तो लिखवाया है कि आयोडीन डिसॉल्व्ड इन एथिल अल्कोहल कॉमा सल्फर डिसॉल्व्ड इन कार्बन डाइसल्फाइड CS2, इसका फॉर्मूला CS2। अब आ जाइए आप अलॉयज, एक नोट डलवा के लिखवा रहा हूं आपको, ठीक है, नोट डलवा के, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे। अलॉय ALOYS, अलॉयज क्या होते हैं, अंडरलाइन कर दो डबल और डैश लगा दो, ठीक है। अलॉयज के बारे में राहुल सर बताएंगे कि अलॉयज क्या होते हैं, ठीक है। अलॉयज के बारे में सुनिएगा आप ध्यान से कि होते क्या है अलॉयज। जब आप क्या करोगे, अलॉयज हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर के होते हैं, जब दो या दो से ज्यादा मेटल, ठीक है, या फिर नॉन मेटल्स को आपस में मिला दो, ठीक है, मेटल्स या नॉन मेटल्स को आपस में मिलाने से बनता है, बट ध्यान रखना उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, उनके कंपोनेंट्स में। जैसे ब्रास होता है कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है, पीतल कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है, लेकिन आप अलग कर सकते हो कॉपर जिंक को, नहीं कर सकते हैं भाई, फिजिकल मेथड के थ्रू, ठीक है। क्या कहलाएंगे वो अलॉय। जैसे ब्रास होती है, ब्रास जो होती है एक अलॉय होता है, अप्रोक्सीमेटली 30% जिंक होता है और 70% कॉपर से मिलकर बना होता है, तो इसमें लिखिएगा अलॉयज, ठीक है, ठीक है, अलॉयज आर लिखेगा होमोजीनस HOMO, ठीक है, GENEOUS होमोजीनस, ठीक है, ऑफ किसका होता है TWO, टू और मोर, ठीक है, टू और मोर मेटल्स METALS मेटल्स, ठीक है, और नॉन मेटल्स METALS, ठीक है। आपको आज की वीडियो में अलॉयज तक करवाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में सैचुरेट एंड अनसैचुरेट सॉल्यूशन के बारे में राहुल सर बताएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही हो पाएगा, नेक्स्ट वीडियो में सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, और थोड़ा बहुत नॉन मेट अलॉयज के बारे में बताऊंगा, नॉन मेटल्स, ठीक है, ठीक है, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। थैंक यू, बाय बाय, आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।